जा रहा हूं मैं बेटी को लेकर। आप और आपकी बेटी को यह घर मुबारक हो। जो हो गया उसे माजी समझ के भूल जाओ और अपने आज में हमारे साथ जियो। तेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा अब। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत? शिकायतें करना छोड़ दिया मैंने, और वैसे भी नाज नखरे उठाने वाले तो मनो मट्टी तले जा चुके। पेशावर में एक नया वाक्या हुआ है, सुना आपने? तो? हाँ जी, क्या हो रहा है? शान भाई देखिए, ये फॉरवर्ड कर देना मुझे। अब मुझे कुछ होश आया तो कुछ करते हैं इस बारे में। मैंने कोशिश की थी लेकिन पुलिस साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपका केस तो इतना मजबूत है कि तो घर की बात है तो उसे अंदर करवा सकते थे। जो घर का केस होता है वो कभी मजबूत नहीं होता, बल्कि हमेशा कमजोर ही होता है। मेरी बहन तो उस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी और मेरी माँ ने मेरी जगह उसे बेटा बना लिया। शान, आपको मदद करनी पड़ेगी क्योंकि ये अकेला शजी नहीं है, इस जैसे और भी बहुत से लोग हैं। इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, हमें कुछ तो करना होगा। वो मेरा दोस्त है, वो आईजी है, मैं तुम लोगों की मीटिंग कराता हूँ उससे। आप टाइम ले लो उससे, चलें। मैं जमल को स्कूल से लेके मार्केट जाना है। ठीक है, आई विल सी यू सून। सुबह बखैर। नाश्ता? ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा लगता है तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करना, प्यार से? नहीं कर सकता, ये तो एक तरीका होता है प्यार दिखाने का। ये लो। मॉम कहाँ पर है? वो मीटिंग पर गई है ऑफिस, आजकल तो रोज ही जा रही है। लेकिन मेरा फायदा हो जाता है उनके जाने से, कम अज़ कम मुझे मौका मिल जाता है तुम्हारे लिए नाश्ता बना के तुम्हें सर्व करने का। इसे क्यों देख रही हो? सारी उम्र पड़ी है इसे देखने के लिए, अभी नाश्ता कर। No, it's okay. मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें लगता है मैं धोखेबाज हूँ, फ्रॉड हूँ, बहुत कुछ गलत किया होगा, लेकिन तुमसे प्यार में सच्चाई है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, दिल से, इसीलिए तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, और हाँ, हमेशा करता रहूँगा। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हेलो। हाँ, आता हूँ थोड़ी देर में।
एक काम से जा रहा हूँ अभी, आप नाश्ता कर लो प्लीज। गाल सुन, ए तो मैंने वेखन जी मम्मी डैडी लग रहे हैं नहीं कि काम करना है। ओए लुकते ना जा, बड़ा काम का बंदा है, हैकिंग तो इसके बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है वाकई? सही बताया यार, कर तो लेगा बड़ी आसानी से, पर ना पर की पैसे बड़े मांग रहा है। तो दे दांगे यार पैसे, जिन्हें मांगेगा काम होना चाहिए 100%। तसल्ली होगी हो तो आगे के मामला तय कर ले। हाँ भाई क्या मामला तय करने, करो। रकम मेरी मुंह मांगी होगी, काम आपकी मर्जी का होगा, मंजूर है? रकम तुझे मुंह मांगी मिलेगी, लेकिन काम होना चाहिए प्रॉपर 100%। बड़ी परेशानी है मुझे, अकाउंट हैक करना मेरे भाई हाथ का काम है। अकाउंट्स की डिटेल के साथ मुझे सेलफोन भी चाहिए होगा, हो सके तो उनका लैपटॉप भी। डिटेल तुझे सारी प्रोवाइड कर दूंगा। टाइम कितना लगेगा? चंद मिनट्स। चंद मिनट? लैपटॉप और सेलफोन उनका, उंगलियां और जहन मेरा, समझो काम हो गया। पक्की गल है? मेरे लिए मुश्किल नहीं। जा फिर काम शुरू कर, तो तेरे अकाउंट में भेज दूंगा पैसे। डन है। ओके। इन शालमी जी मुंडे बिल गेट्स कहते ने, बड़े बंदे ने, कमाल हो गए। बात सुन, ये प्लान की कानो कान किसी को खबर ना हो। ओ मैंने तेरा इसे हैकर वैसे ही पता लगा। अरे आप यहाँ बैठी हैं, कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। गरम गरम चाय आपके लिए। अरे वाह, खास तौर पे बनाई है इलायची वाली, जैसे आपको पसंद है। वेरी नाइस। सोच रही थी कि तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि एक फ्रॉडिये से तुम्हें एक बाइज्जत इंसान बना दिया मेरी बेटी ने। तुम्हें तो उसके पांव धो धो के पीने चाहिए, ऐसी बच्ची नहीं मिलेगी तुम्हें। बात तो आपकी सही है, यही करना चाहिए मुझे। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर खुद को बेच भी दूं तो आपका और तोबा का एहसान कभी नहीं उतार सकता। ऐसे मुझे चक्कर सा आ गया, पता नहीं क्यों। अरे आपको अंदर कमरे में छोड़ता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, ऐसे ही चक्कर सा आ गया पता नहीं क्यों, शायद थकावट बहुत है। ये सब क्या है? अच्छा जी, सरप्राइज है आपके लिए, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू मेरे दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए क्यों? मेरी मुस्कुराहटें वापस लाने के लिए, मेरी जिंदगी को और अच्छे मौकों पर पुरानी बातें याद नहीं करते। क्या हुआ? ठीक हो तुम? अजीब चक्कर सा आया एकदम। चलो डॉक्टर के पास। नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका केक काटते मैं लेकर आती हूँ। केक कट जाएगा, तुम चलो डॉक्टर के पास। नहीं मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो जाता है कभी कभी। यार चेक करा लेते हैं। नहीं 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 आपका केक काट, चलो मेरी बात। क्या बात है, आज इतनी खामोशी है घर में, बच्चे कहाँ हैं? वो शान माया को और जमल को लेके मार्केट गए हैं, शॉपिंग करवानी थी। माशाल्लाह से अब उसका कारोबार अच्छा चलने लगा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे बच्चों को ढेर सारी खुशियां दे।
और कोई भी दुख ना फटके इनके पास। आमीन सुमा आमीन। मायला की सुनाओ। हाँ अभी उसी से तो बात कर रही थी। आज बहुत खुश है, नाइल की सालगिरह ना तो पूरा घर सजाया हुआ था। अच्छा, जीते रहे, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह की शान देखो, जब वो देने पे आता है तो इंसान का दामन तंग पड़ जाता है। अल्लाह शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा चिपी। हेलो माया, गेस व्हाट? आवाज से तो काफी एक्साइटेड लग रही हो, क्या हुआ? तुम खाला बनने वाली हो। व्हाट? क्या? सीरियसली? ओह माय गॉड, तुमने अम्मी और बाबा को बताया? नहीं, सबसे पहली कॉल तुम्हें की है। सो हैप्पी फॉर यू मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा चलो फोन रखो, मैं अम्मी और बाबा को कॉल करके बताऊं। ओके श्योर, बाय, टेक केयर। क्या हुआ? मायला प्रेग्नेंट। ओह कंग्रेचुलेशंस, दैट्स ग्रेट न्यूज़। सो बेस्ट, बहुत लाउड थी ना? हमारी कजन आ रही है, कजन छोटी सी। छोटी सी और छोटा सा, वी डोंट या। चलो तीन देर हो गए, निकलना था जल्द। नहीं कहाँ हो भाई, तो इन लोगों की आंख नहीं खुलती, पता नहीं कहाँ लग गई। अरे ये क्यों उठ के बैठी हुई है? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, तुम क्यों यहाँ ऐसे लेटी हुई हो? हाँ पता नहीं, मेरा सर भारी हो रहा है। हाँ यार मेरा भी, पता नहीं मेरा भी बहुत भारी हो रहा है, अल्लाह जाने क्या हुआ। अच्छा सुनो, शजी कहाँ है? सुबह ही चला गया था ऑफिस। सुबह चला गया था, उसे क्या जरूरत थी इतनी जल्दी जाने की? I don't know. अच्छा यार मेरा फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ, समझ नहीं आ रही कहीं चार्ज पे लगाया है या कहीं। ओके मॉम, यहीं पर होगा प्लीज। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम जरा देख लेना और फौरन मुझे बताना कि कहाँ है। बहुत सारी उसमें मीटिंग्स थी और बहुत सारी चीजें थी, अल्लाह जाने कहाँ चला गया। आइए जी। मैम वो शबीर ग्रुप के मैनेजर की कॉल आई थी चेक के सिलसिले में। चेक तो भिजवा दिया था इनको, क्लियर नहीं हुआ अब तक? नहीं मैम, वो चेक बाउंस हो गया। व्हाट? चेक बाउंस हो गया? यस मैम। ये कैसे हो सकता है? वालेकुम सलाम जी, मैं अपनी अकाउंट डिटेल्स मालूम करना चाहती हूँ। रजिस्टर्ड नंबर वो तो गुम गया है, फोन गुम गया है, आप मुझे यहीं जी। क्या मेरा अकाउंट? क्या क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं आप ठीक है? एम्बुलेंस। किसके कॉल?
तूबा का फोन है। हाँ तो उठाए ना। अच्छा काम कर लेना फिर। अगर वो कॉल कर रही है तो कोई जरूरी बात होगी। फिर उठाए। हेलो। हेलो भाई, भाई मॉम को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, प्लीज आप जल्दी आ जाएं। क्या? भाई मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मॉम, मॉम आपको बुला रही थी। अच्छा ओके ओके ठीक है नर्स। मॉम को हार्ट अटैक हुआ है, जाना चाहिए। ये क्या कर रही हैं आप मॉम? ठीक बेटा, आपकी माफी मांग रही हूँ तुमसे। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें लूटा, कंगाल थी। जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे खुद उसमें खास कर दूंगी। आज एहसास हुआ कि जब आप उन्हें धोखा देते हैं तो कैसा लगता अपना बन से कोई धोखा देता। मैंने माँ हो के तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, सी बद नसीब माँ हूँ। उन हाथों से कब से आपसे दूर कर दी, जिसके सब मिल के लूटा, सब कुछ लूट कर इतने कहाँ चले गए। हाँ हीरो कैसे? एकदम मस्त, मस्तो मस्त कलंदर, मजे मजे। तू बता, सुना आपने? फिट फाट यारा। ये बता तूने आगे का क्या सोचा? सोची पिया ते बंदा गया। गल सुन मेरे भाई, जब तक जेब गरम है ना तो हर चीज गरम है, कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं है। ओए बैठ के खाने से ना करुण का खजाना भी खाली हो जाता है। हाँ हाँ पता है मुझे यार, ये तेरे जैसे लोग ना डिप्रेशन दे देते हैं बिला वजह, बैठे बैठे आगे की क्यों सोचूं? अभी बहुत खजाना पड़ा भाई, एंजॉय करने दे तू मुझे। मनुज बातें ना कर मेरे साथ। अच्छी बात करने के लिए तुझे कॉल की है, एक लड़की देखी है तेरे लिए, बड़ी जबरदस्त लड़की है, अपनी दादी के साथ रहती है, मालदार असामी है। शजी दोनों हाथों से भी खाएगा ना तो तेरे से पैसे नहीं खत्म होने। मैं दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ, तू तैयारी पकड़ ले। सेरे वाले आ, मान जवानिया, सेरे वाले आ, सेरे वाले आ, सेरे वाले आ। ओके बहुत वीकनेस हो गई है आपको, प्लीज ख्याल रखें अपना। मैं ऐसा करता हूँ कि एक नर्स का अरेंज करता हूँ, 24 घंटे यहीं रहेगी मॉम के पास। थैंक यू भाई। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा करूँ। जी आपने तो अपने सारे फराइज बहुत अच्छे से अदा किए हैं, सबसे अच्छे भाई हैं आप, कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। जब भी कुछ चाहा आपने सब दिए। But I'm not a good person, भाई। मैंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, हर वक्त आपको दोहराती हैं। I'm not pregnant. मैंने आपसे झूठ बोला था। हमने प्लानिंग की थी कि आपको इमोशनली ट्रैप करेंगे। I'm sorry. I'm really sorry. I have to go. चलता हूँ। कहाँ जा रही हो?
वापस अपने घर। जिंदगी गुजारने के लिए बड़ा घर और पैसों की जरूरत नहीं होती, और यह एहसास मुझे माया के घर पर रहकर, छोटा सा घर है लेकिन उस घर के हर फर्द का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे अपनाया है, अपना बेटा बनाया, अब मैं वहीं रहूंगा उनके पास। खुदा हाफिज। आजकल आप जैसे अच्छे और शरीफ लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अकेली हो गए हो? ये अकेलापन उन्होंने खुद चुना है अपने। उन्हें अपनी गलती का एहसास है और मैंने उनकी गलती पे उन्हें माफ कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। माँ है आपकी? माँ, माँ तो उन्हें मैंने समझा था, लेकिन उन्होंने मुझे बेटा नहीं बल्कि सिर्फ एक बैंक अकाउंट समझा। हो नहीं सकते वो सब कुछ। इसे बुला दूं यार, सब कुछ जो हुआ मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। भरोसा तोड़ दिया उन्होंने मेरा। सब कुछ इतना आसान नहीं है यार। प्लीज हम कोई और बात करें। आपका दोस्त कब आ रहा है? मुझे डर है कि शरीफ फिर से गायब ना हो जाए। अब वो जहां भी होगा ना मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। अब तो हिसाब देने का वक्त, अब कहीं नहीं भाग सकता वो। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। हाँ, तुम्हारी भाभी के साथ निकला हुआ था। कब आ रहे हो वापस? कल। जबरदस्त, फिर कल ही मिलते हैं। थोड़ा सा और पी ले मॉम, बस मेरी बेटी को पिला दो। वो नहीं आएंगे आप। क्यों नहीं आएगा? आएगा, जब मैं उसे लेने जाऊंगी तो जरूर आएगा। क्यों वापस आएंगे वो? जो कुछ हमने कर दिया उनके साथ, अब तो कुछ भी नहीं बचा। मैं सोचती हूँ कि शजी कितना बड़ा फ्रॉडी है ना, कितनी तकलीफ दी है उसने मुझे। हम तो उससे भी बड़े फ्रॉडी हैं। हमने क्या किया? शजी तो गैरों को लूटता था ना, हमने तो अपने घर में नकब लगा दिया। हाय, काश लालच झूठ धोखा ना करते। काश मेरा बच्चा दूर हो गया मुझसे। वाह शजी, तेरे तो ऐश हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जीते रहो।
बैठो बैठो। वैसे तो नवाल नाम है हमारी पोती का, प्यार से टीना बुलाते हैं, लेकिन इस नाम से पुकारने का हक सिर्फ हमारा है। हाँ, अगर उसका होने वाला शौहर भी चाहे तो उसे इस नाम से पुकार सकता है। जी जी, इंशाल्लाह जरूर जी। वैसे आप लोगों ने भाई से बात कर ली है? हाँ, टीना तारीफ कर रही थी। वैसे मुझे जुनेद आपसे उम्र में कुछ छोटे लगते हैं। ये नहीं जुनेद मियाँ? नहीं नहीं जी, बड़े हैं मुझसे, इसीलिए तो मैं चाहता था कि उनकी शादी मुझसे पहले हो जाए। बस भाभी घर में आ जाएंगी तो मेरे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगी। रजिया, टीना को भेजो। ये तो किस्मत की बात है ना, पेट्रोल पंप पे मेरी तबीयत खराब होती ना आप मदद करते और ना ही हम मिल सकते हैं। ये तो किस्मत है, किस्मत के संजोग हैं जो आप हमसे मिले और मैंने आपसे पोती के रिश्ते की बात की। जी मेरा भी यही मानना है जी। आपकी सादगी देखकर मुझे यकीन है कि आप बड़े खरे और सच्चे इंसान होंगे। जी बस। अरे वालेकुम सलाम जी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी पोती हैं आपकी। हमें हमारी पोती से दिलो जान से प्यार है, हमने आज तक कभी भी इसकी कोई भी ख्वाहिश नहीं टाली और ना ही टालेंगे। और अब ये आप पे फर्ज है कि इसकी हर फरमाइश को पूरा करें। जी जी क्यों नहीं, क्या फरमाइश है हमारी भाभी की? मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो मैं और दादी उनको एयरपोर्ट रिसीव करने जाएं। बिल्कुल क्यों नहीं जी, जैसे ही भाई अपनी फ्लाइट कंफर्म करते हैं मैं फौरन आपको बताऊंगा और फिर इकट्ठे ही चलेंगे उन्हें रिसीव करने के लिए। क्यों आए हैं आप यहाँ पर, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम्हें लेने आई हूँ, चलो घर मेरे साथ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो इन लोगों ने मुझे बिल्कुल बेटों की तरह रखा, अपने घर में जगह दी। अब ऐसे में इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। शान बेटा, आप हमारी फिक्र नहीं करें, हम दोनों मियां बीवी हैं ना, मैं एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। बेटा नाइल भी जिद कर रहा है, मायला को भी हमारी जरूरत है, हमारी वजह से तुम अपनी माँ को मत छोड़ो। अकेली हैं ये, तुम इनके वाली वारिस हो, इनका ख्याल रखना तुम पर फर्ज है बेटा। हाँ बेटा, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने फर्ज में कोताही नहीं करोगे। माया बेटा, मैं तुम्हारी भी मुजरिम हूँ, तुम भी माफ कर दो मुझे, तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया मैंने। बेटा तुम कहो ना शान से, कहो ना ये घर चले, तुम्हारी बात तो कभी नहीं टालेगी। यार थोड़ी देर में आ रहा हूं, मुझसे ज्यादा तो तुझे जल्दी है, तू तैयारी करके रख, आता हूं। तैयारी मुकम्मल है यारा, बस बुके लेने जा रहा हूं। अगले दो दिन में तू दूल्हा बना, उस घर में ऐशी कर रहा होगा। अच्छा मेरी बात सुन, इस दफा डील 50-50 की है। बात सुन मेरी, बचपन का दोस्त है तू मेरा, अच्छी तरह जानता है काम हमारा दो नंबर है, लेकिन मैं एक नंबर बंदा हूं, अपना काम ईमानदारी से करता हूं, जो जुबान दे दी तो बस दे दी, वादा पूरा करूंगा अपना पक्का।
तेरे होने वाली भी साथ आ रही है तुझे रिसीव करने के लिए, और उसकी दादी भी साथ है। तो आना भी चाहिए, दामाद हूं उनका, प्यार मोहब्बत खातिर तवाज़ो गिफ्ट शिफ्ट ये वो जरूरी भाई। तू जानता है जब तक इस तरह के बेवकूफ लोग बगैर सोचे समझे अपनी बेटियों की शादियां करते रहेंगे ना, तब तक हमारा कारोबार चलता रहेगा। बस लूटो लूटो लूटो। चल ओके आता हूं। बेटा वो आगे बढ़े हैं, तुम भी आगे बढ़कर उनको गले से लगा लो। वैसे ही इज्जत दो जैसे मुझे और अपने बाबा को देती हो। अम्मी मैं सिर्फ माँ नहीं कहती, उन्हें माँ समझती भी हूँ। और फिर आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं कुछ जताऊँ। बेटा घर जताने से नहीं बचते, पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने से बचते हैं। और मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है। इस बात में तो कोई शक ही नहीं, वाकई माया बहुत समझदार। इसकी समझदारी की वजह से ही तो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ। To be honest, I'm really blessed to have her in my life. जीते रहो बेटा, आप दोनों खुश रहो हमेशा। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए अब। आपने मायला को बता दिया? तुम्हें बताने से मना किया था तो मैं खुद कैसे बताता उसे? अब जाके उसे सरप्राइज देंगे। बेटा वो आपने टैक्सी का बोला था, मंगवा दूंगा आगे। नहीं नहीं अतुल मैं उसको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं बेटा आपको जहमत होगी, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं Indecisive, क्या करूं? तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? Honestly, मैं तो चाहती हूं कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूं। अस्सलाम वालेकुम। I think इतना आगे आगे हैं, आगे भी खुद ही चलना चाहिए। कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? ये स्टूडियो की फाइल है, मैंने माया के नाम कर दिया स्टूडियो। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत थी बहुत। इसमें तुम्हारे बिजनेस की भी सब पेपर्स हैं, सब। देखो अगर तुम लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं यही समझूंगी कि तुम लोगों ने दिल से माफ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हो, जो कुछ भी, भुला दे उसे। मैं भी भुला दिया। कोशिश कर। इससे ज्यादा नहीं खा सकती। क्यों? दिल नहीं जा रहा। वो तुमने अपने लिए खाया है, ये तुम खाओगे हमारे बच्चे के लिए। चलो। ये कौन आया? इस वक्त देख लो। पापा मम्मी कैसी है मेरी बेटी? आप लोग आ रहे थे और आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? हम तुम्हारी खुशी देखना चाह रहे थे। माया कैसी है? माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में। आए ना। और नायर तुम कैसे हो बेटा? आजा मेरी जान। आप लोग आ गए, अब मैं आप लोगों को जाने नहीं।
हमने भी यही सोचा है। आइए आइए, तशरीफ लाइए ना, आपका अपना घर है। आजकल आप जैसे अच्छे और शरीफ लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो याद भी नहीं होगा कि तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। एक लम्हे के लिए मुझे वाकई लगा था शजी तुम बदल गए हो। बट नो, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, राइट? तुम जैसे आदमी को ना सड़क पे खड़ा करके फांसी देनी चाहिए, ताकि इस मुल्क का कोई भी मर्द ना किसी औरत के साथ फ्रॉड करने का सोचे भी ना। सो हियर यू गो, Go to hell. लड़की की दादी सीनियर पुलिस ऑफिसर है। तुम्हारा पूरा गैंग पकड़ा गया है, और वो पुलिस वाले तुम्हारी मदद कर रहे थे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। तुम्हारा खेल इट्स ओवर। देर से ही सही, तुम पकड़े तो गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। क्या होगी तुम्हारी सजा? कितनों को धोखा देके तुमने लूटा, उनकी जमा पूंजी लूट के ले गए। इन सदमे में पता नहीं कितनी जाने गई, कितने घर बर्बाद हुए। तुम्हें तो एहसास भी नहीं होगा। जाओ, जेल की सराखें और कैद तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगाता कैसे मेरे दिलदार।
फ्रॉड आज भी होते हैं और वैसे ही होते हैं। तुझे कभी डर नहीं लगा? इतनी लड़कियों को धोखा देता है, शादी करके भाग जाता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कैसे मैं गुनाहगार था दुनिया को। पापा मामा मुझे छोड़ क्यों चली गई? कैसे आग जिसने जला तभी तो आग लगी हुई है, बुझेगी तो पता चलेगा कि क्या बचा है पीछे। उस तपिश को सीने से